अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां चांगा मांगा के नवाही इलाका भोयासर में बास अफराद की गुंडागर्दी। मेहनतकश के मकान की चार दीवारी गिरा दी। पुलिस मुलजिमान से साजबाज मजलूम खानदान सरापा एहतजाज। इस पर मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इमरान मलिक। जी इमरान, बताइएगा ये क्या मामला है और ये बताइएगा पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? हाँ जी बिल्कुल, बताता चलूँ। चांगा मांगा नवाही इलाका भोयासर में बास अफराद की गुंडागर्दी, जबकि मेहनतकश के मकान की चादर चार दीवारी का मुकदस भी पमाल कर दिया। पुलिस मुलजमान से साजबाज मुलजूम खानदान सरापा एहतजाज कर रहे हैं और आला काम से दादरासी का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि आपको बताता चलूँ तो नवाही इलाका भूए असल में मेहनतकश मोहम्मद मंशा ने 10 मरले जगह में अपने माल मवैशी बांध रखे थे। बासर अफराद असन और आजम वगैरह ने गुंडागर्दी करते हुए फरदाना बीबी की उंगली भी तोड़ दी है। आपको बताता चलूँ तो हवातीन के साथ हाथापाई की और कपड़े भी फाड़ दिए हैं और मार पिटाई करने के साथ घर की चादर चार दीवारी का तकदस भी पमाल किया गया है। जबकि मजलूम खानदान की जानब से वन पाइपर कॉल तो की गई है, लेकिन पुलिस की जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बाद में आपको बताता चलूँ तो मुलजमान पुलिस के साथ साजबाज होकर अगले दिन दोबारा आए तो मुतासरा शख्स ने पुलिस को जगह के बारे में अदालती हुक्मनामा मुंतलाई दिखाया, लेकिन पुलिस थाना छांगा मांगा सियासी दबाव की बदौलत से उसे डराया और धमकाया जा रहा है। जबकि आपको बताता चलूँ तो मुतासरा खान ने वज़ीर आला पंजाब और CCPO लाहौर IG पंजाब से मुतालबा किया है कि कब्जा ग्रुप और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान।